अक्टूबर में विलेज काउंसिल इलेक्शन होगा और आगे मीडिया के थ्रू मैं आपको बोलना चाहता हूं, कंचनपुर हो, साफरूम हो, समनु हो, रायमा वैली हो, करबुक हो, हम आपको एक मैसेज दे रहा है, अगर हम लोग विलेज काउंसिल इलेक्शन जीतता है तो दिल्ली हिल जाएगा। तब दिल्ली चलो आंदोलन नहीं होगा, दिल्ली चलो और दिल्ली को भरो अपना टिप्पणा सदस्यता के साथ। जंतर मंतर में इसने प्रोटेस्ट नहीं करेगा, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेगा, पार्लियामेंट के बाहर इंडिया गेट के सामने अपना पूरी लोग आप लोग प्रोटेस्ट करना, पूरा दिल्ली में हम लोग प्रोटेस्ट करेगा और दिल्ली को भी मानना पड़ेगा, दिल्ली को भी समझना पड़ेगा कि 70 साल से जो अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है, 70 साल से जो अपना की प्रशा को हानि कुशा को नीचे रखा गया है, आज मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज जो नेता लोग टिप्पणा माथा में बैठ के बिजनेस करना चाहता है, जो नेता लोग बोलता है गोवाग्रा आपने हमको एमएलए का टिकट नहीं दिया तो आमी बीजेपी चले जाबो, आमी कांग्रेस आमी सीपीएम में चले जाबो, जाओ गोवाग्रा अकेला लड़ेगा टिप्पणा के लिए। ये लोग आप लोग समझो, ये लोग कॉम्प्रोमाइज करते करते 70 साल से हम लोगों का जगह को दिया है, हम लोग ने अपना ही जमीन को बेच दिया एमएलए के लिए, एमडीसी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सब लोग बोलता है अरे डेवलपमेंट चाहिए, इंप्रूवमेंट चाइना डेवलपमेंट चाहिए, तो क्यों नहीं क्या डेवलपमेंट, 25 साल सीपीएम था, उससे पहले कांग्रेस था, उसके बाद सीपीएम के बाद बीजेपी आया, आप लोग तो सब नेशनल पार्टी है, सब लोग नेशनल पार्टी, मुकुंदवारा का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया। अब जब टिप्पणा माथा आता है और बोलता है ग्रेटर टिप्पणा लैंड, तो बोलता है ना ग्रेटर टिप्पणा लैंड ना डेवलपमेंट हो गई, तो किसने रोका आपको डेवलपमेंट करने से, किसने रोका। ये लोग हम लोगों को झूठ बोल रहे हैं, इलेक्शन का पहले मिस कॉल करो, इलेक्शन का पहले